फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी पोको C3 है तो कैसे आप टैप साउंड को इनेबल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही सिखाएंगे, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद जो है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब जो है आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेटिंग पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब जो है आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड नंबर पे टैप साउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक उसके राइट साइड में आपको एक स्विच भी देखने को मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप इसी तरह से टैप साउंड को इनेबल कर सकते हैं। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।